देखिए आप इधर थोड़ा सा, जैसे कल अपन ने जो बायोजेनेटिक्स से संबंधित तीन सीरीज का अध्ययन किया था, जैसे जो पहली जो श्रेणी थी इंडिविजुअल, जिसको हिंदी में अपन व्यक्तिगत कहते हैं, और दूसरी है डिस्क्रीट, और तीसरी हो गई कंटिन्यूस। ठीक है ना, ये तीन सीरीज थी अपने, और मैंने आपको ये भी बता दिया अपन ये जो सीरीज है इनको अपन कैसे पहचानेंगे। ठीक है ना, देख के आपको पता लग जाना चाहिए सब ये सीरीज है, क्योंकि जो फॉर्मूले वो अलग लगेंगे। ठीक है ना, अब जैसे अपन आज करते हैं मील, मील का मतलब आप ये तो छोटी क्लास में आपने किए हैं कि मान के कहते हैं। ठीक है ना, तो जैसे आपको कुछ आंकड़े दे रखे हैं, इनका आपको माध्य या मीन ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि जैसे कुछ आंकड़े दे दिए 6, 8, 7, 5, 6, 3। ठीक है ना, ये सिंपल एक ऐसे है जैसे ये आंकड़े दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया कि निम्न आंकड़ों की सहायता से माध्य या मीन की गणना कीजिए। ठीक है ना, तो पहला आप देख के बताओ कि सारी सीरीज कौन सी है। ठीक है, थोड़ी इधर आइए, है साफ पता चल रहा है। देखिए जैसे मैंने बताया ना, ये एक क्रिकेट के अंदर जो जैसे 11 खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, किसी ने 5 बनाए, किसी 7 रन बनाए। ठीक है ना, या अपन ये मान लेते हैं कोई गेम है, ठीक है ना, इसके अंदर जैसे मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6 खिलाड़ी हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है ना, तो यहाँ ये संख्या दे रखी है। ठीक है ना, तो कई बार क्या क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है, जैसे सीरियल नंबर दे रखे हैं, ठीक है ना, और इधर दे रखे हैं आपको कोई संख्या दे रखी है मार्क्स। ठीक है, तो सीरियल जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है ना, यहाँ दे मार्क्स 3, 6, 8, 7, 5 और 6। ठीक है, ये मार्क्स दे दिए। ठीक है, ये लीजिए भाई, जो 6 विद्यार्थी थे और 10 अंकों का टेस्ट लिया गया, उस 10 अंकों में से किसी के 3 आए, एक के 3 आए, दूसरे के 6 आए। ठीक है ना, तो इस तरह से आप तो या जैसे क्रम संख्या लिखी हो, ठीक है ना, तो भी इंडिविजुअल सीरीज कहलाएगी। ठीक है ना, अगर यहाँ पर क्रम संख्या नहीं लिखा है, जैसे कोई देते भार दे दे, वजन दे दे, या कोई दूसरी चीज दे दे, तो फिर वो आपके डिस्क्रीट सीरीज हो जाएगी। है ना, तो ये ध्यान रखना, या तो आंकड़े इस तरह से दिए जाए, और या फिर आंकड़े इस तरह से देते सीरियल नंबर ये है और ये चीज यहाँ से दे रखी संख्या। ठीक है ना, तो ये होगी व्यक्तिगत श्रेणी। ठीक है ना, तो इसका जैसे आपको मीन ज्ञात करना है, इसका सीधा सा फॉर्मूला है कि जो मीन को है ना एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, और इसका जो फॉर्मूला है समेशन एक्स अपॉन एन। ठीक है, समेशन का मतलब क्या होता है, टोटल होता है। ये जो समेशन है ना, इसका मतलब योग या टोटल है। ठीक है ना, तो टोटल का मतलब इसका टोटल कर लीजिए, कितनी आ रही टोटल, इसकी टोटल दूसरी साइड देखिए 11, 18, 26, 32, 33 कितनी आ रही, तो ये आ गया 35। तो ये जो समेशन x हो गया, समेशन x का मतलब ये है x1 + x2 + x3 और ऐसे डैश डैश करके xn अपॉन n। ठीक है ना, तो ये जैसे x1 x2 x3 x4 x5 x6। ठीक है ना, तो इनको अगर एक साथ लिखना होता ना, तो इसको समेशन x कर देते हैं, मतलब सबका टोटल हो गया x। ठीक है, तो समेशन x आ रहा है कितना है, 35, या गया 35। ठीक है, और n की संख्या कितना है, टोटल कितने संख्या स्टूडेंट के,
छः, एक दो तीन चार पाँच छः, या ऐसे काउंट कर लो, ये हो गए सीधे सीरियल नंबर दे छः, ये हो गए छः, ठीक है। और इसमें भाग दीजिए, फाइव पॉइंट एट आएगा मेरे हिसाब से, भाग दे दो इसमें, पैंतीस से छः का तीस, तीस से पाँच पचास और छः का भाग दे दो, फाइव पॉइंट एट है ये इसका मीन आ गया, बात क्या क्लियर है, लिखो क्या वैसे लिखते हैं ठीक। अब जैसे मान लीजिए अपन मीन कर रहे हैं, अब एक दूसरी सीरीज लेते हैं, ठीक है, एक दूसरी सीरीज लेते हैं, आप लिख कुछ लिख लीजिए, सीधे लिख लीजिए, निम्न आंकड़ों से माध्य की गणना कीजिए, निम्न आंकड़ों से माध्य की गणना कीजिए, माध्य के अंदर यहां जैसे अपने एक तरफ ले लेते हैं वेट और यहां लेते हैं नंबर्स, जिसको अपन फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, आवृत्ति या नंबर, ठीक है। जैसे मीन मीन एम ई ए एन मीन माध्य, उसको मीडियम को मध्य का बोलते हैं, ठीक है, मध्य का, एक तो माध्य बोले इसको समांतर माध्य कह सकते हैं, एक होता मध्य का और एक होता बहुलक, ठीक है। तो ये भी वही चल रहा पहला क्वेश्चन मीन, ठीक है ना। तो मीन के अंदर अपने वजन है और इधर अपन संख्या है, तो ये जो वजन है 40 किलो, 45, 50, 55, 60, ठीक है ना। और एक और लेना चाहो तो 65 ले लीजिए, ये वजन है, वही विद्यार्थी संख्या यहाँ पर 3 या 6 या 7 या 4 और ये 5, ठीक है ना। तो ये 9, 9, 9, 16, 16, 4, 20, 20 और 25 और ये राउंड फिगर ले लेता था 5, ये 30, ठीक है। ये आंकड़े देने के बाद में पहले तो आप पहचानिए कौन सी सीरीज है, ये कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है, इंडिविजुअल तो नहीं है, ठीक है। तो कौन सी लगती है, डिस्क्रीट, ठीक है ना। कंटिन्यूस कब होती है, जब यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20 इसके सबसे अपन कैसा भी है तो सीरीज है वो कंटिन्यूस सीरीज है, लेकिन ये खंडित श्रेणी है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगता है वो है एक्स बार बराबर f इंटू एक्स अपॉन एन, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये तो f को ये दे रखा है यहां पर, ये जो वजन है ना ये है x है, अरे सर ये जो वेट है वो तो है x है और ये जो संख्या है वो है f है, यानी कि आवृत्ति है। अब आप क्या करेंगे कि अपने फॉर्मूला देखिए, ठीक है ना, n का मतलब तो हो गया समेशन एफ होता है, समेशन एफ होता है एफ की टोटल हो जाएगी, तो एफ की टोटल अपन ने कर ली थी 30 आ गई है,